विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से सहजनवा विधानसभा से प्रत्याशी मनोज यादव, पिपराइच विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सुमन चौहान, खजनी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दीनबंधु, बेलदार चौधरी चौरी चौरा विधानसभा से वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी रामनाथ निषाद, खजनी विधानसभा से बसपा प्रत्याशी विद्यासागर तथा ग्रामीण विधानसभा से सर्वोदय भारत पार्टी से डॉक्टर विनय पांडे ने कलेक्टर परिसर में नामांकन किया, जिसके संबंध में कांग्रेस से सहजनवा विधानसभा के प्रत्याशी मनोज यादव ने बताया कि मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि अगर मैं सदन में पहुंचता हूं तो रोजगार नीति लागू करके 50% का स्थानीय आरक्षण करूंगा। वहीं खजनी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दीनबंधु बेलदार ने बताया कि युवाओं के लिए भ्रष्टाचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उसको रोकने के लिए प्रयास करूंगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहजनवा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज यादव, खजनी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दीनबंधु बेलदार चौरी चौरा, विधानसभा से विकासशील पार्टी के प्रत्याशी रामनाथ के साथ पिपराइच विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सुमन चौहान ने कहा। चौहान कहाँ से? पिपराइच विधानसभा। किस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी। आज आप नामांकन क्या प्राथमिकता रहेगी आपको? यही कि अब जनता की सेवा करना है, पहले मेरे पति भी और हम दोनों सब साथ करके मिलकर करेंगे, ठीक है? जो पति आपके विधानसभा में नहीं हुआ है वही करेंगे हम। आपके विधायक बनने वक्त क्या करेंगे? तो वही जो नहीं हुआ वही करेंगे, जो काम बाकी रहेगा वही करेंगे। नामांकन की है प्राथमिकता हमारी, चौरी चौरा के जो भी समस्या है उसको हल कराएंगे। और मैं वहाँ पर विगत 10 वर्षों से लगा हुआ हूँ, मुझे मालूम है वहाँ पर क्या क्या परेशानी है। मूलभूत परेशानियाँ बहुत हैं, लेकिन मैं अपने समाज की भी लड़ाई लड़ूंगा। जो निषाद समाज से भी आते हैं, दलित आते हैं, पिछड़े आते हैं, अति पिछड़े हैं, सभी समाज के लिए लड़ाई लड़ूंगा मैं। मैं दीनबंधु बेलदार आम आदमी पार्टी से विधायक प्रत्याशी के रूप में मैं पर्चा दाखिल आज किया हूँ खजरी विधानसभा से। क्या प्रतिनिधित्व रहेगा सर? मैं युवा हूँ, युवाओं के लिए मैं ये सोचा हूँ कि जो भ्रष्टाचार दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है उसको रोकने का मैं प्रयास करूँगा। मनोज यादव विधानसभा 324 सहजनवा कांग्रेस पार्टी। जी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है? मैं विकास के मुद्दे पर लड़ रहा हूँ और जनता के बीच में काम किया हूँ, और जनता काम का आकलन करेगी। और 3 तारीख को मनोज यादव के नाम पर, कांग्रेस पार्टी के नाम पर हाथ के पंजे पे मोहर लगाएगी और अपने बेटे अपने भाई को जिसने कर्म किया है, जनता के सुख दुख में शामिल हुआ है, जनता के हर काम में शरीक हुआ है, उसको विधानसभा में भेजेगी और अपने हक हकूक की आवाज़ के लिए मनोज यादव को ही भेजेगी। इसलिए भेजेगी कि हमारे क्षेत्र में गीडा है, गीडा में लगभग इस समय 2000 फैक्ट्रियां हैं, लेकिन रोजगार के दृष्टिकोण से लोकल लोगों को बिल्कुल रोजगार नहीं दिया जा रहा है। मेरी पहली प्राथमिकता है कि अगर मैं सदन में पहुँचता हूँ तो स्थानीय रोजगार नीति लागू करके 50% का स्थानीय आरक्षण करूँगा, जिससे हर ग्राम सभा के बेरोजगारों नौजवानों को
नौकरी मिलेगी अपने क्षेत्र में ही, और एक बड़ा अस्पताल बनाऊंगा जिसमें सभी जांच की सुविधा उपलब्ध रहेगी। शिक्षा की व्यवस्था कैसे अच्छे से अच्छी हो सके इसके बारे में सोचूंगा। सड़क, बिजली, पानी और सबकी सुरक्षा मेरी प्राथमिकता है।